बद्री एंड अमायरा दोनों आज उदयपुर घूमने जाने वाले हैं। वो दोनों अपना बैग लेके बस स्टॉप पहुंचते हैं। तभी उनको याद आता है कि वो अपने टिकट्स लाना तो भूल गए, ऊपर से वो ये भी भूल गए कि उनको किस बस में जाना है। अब उनके सामने तीन बसेस आती है। उसे देख के अमायरा तुरंत ही समझ गई कि उदयपुर जाने वाली बस कौन सी है। कैसे? तो फ्रेंड्स, इन तीन बसेस को देख के क्या आप लोग बता सकते हो कौन सी बस उदयपुर जाएगी? बद्री एंड अमायरा दोनों ये दूसरी वाली बस से जाते हैं, बिकॉज उस पे आरजे लिखा है। हर बस पे स्टेट के नाम का इनिशियल लिखा होता है, जैसे कि इस बस पे लिखा है जीजे, तो ये गुजरात की है। ये है MH फॉर महाराष्ट्र और ये है RJ फॉर राजस्थान। उदयपुर सिटी राजस्थान में आई हुई है। इससे मुझे याद आया कि क्या आप लोग जानते हो राजस्थान स्टेट का कैपिटल कौन सा है? आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। क्या आप लोग इसका आंसर दे पाए? राजस्थान स्टेट का कैपिटल है जयपुर। क्या आप लोगों ने सही आंसर दिया था? मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। अब बद्री एंड अमायरा दोनों वो बस में बैठ के उदयपुर पहुंच जाते हैं। अमायरा एंड बद्री को बस मिलने की खुशी में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कीजिएगा। अब वो बस उदयपुर पहुंच गई है। बद्री एंड अमायरा बस से नीचे उतरते हैं। तभी अचानक एक चोर आके बद्री की बैग छीन के भागता है, तो बद्री भी उसके पीछे पीछे भागता है। थोड़ा आगे जाके बद्री उस चोर को पकड़ लेता है, लेकिन उस चोर के पास बद्री के बैग जैसे दूसरे चार बैग है। तो बद्री बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि उसमें से उसकी बैग कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इन चारों बैग को देख के क्या आप लोग मुझे बता सकते हो बद्री की सही वाली बैग कौन सी है? उसमें से ये फोर्थ नंबर की बैग जो बद्री की है। तो क्या आप लोग सही बैग को पहचान पाए थे? इसी बात पे वीडियो को एक लाइक तो जरूर से बनता है। बद्री एंड अमायरा दोनों उदयपुर के एक रिसोर्ट में रुकते हैं। अब वो फ्रेश अप होके उदयपुर के बाजार में घूमने जा रहे हैं, और वो अपने रिसोर्ट के रूम की चाबी अपने घर की तरह अपने रूम की डोरमेट के नीचे छुपा के जाते हैं। घूमते घूमते उनको रास्ते में एक शॉप दिखती है, 7 बेल्स, लेकिन उसमें 8 बेल्स लगे हुए हैं। तो मायरा एंड बद्री शॉप के अंदर जाते हैं और शॉपकीपर से पूछते हैं, आपकी शॉप का नाम 7 बेल्स है और वहाँ शॉप के ऊपर 8 बेल्स लगे हैं, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, क्या आप लोग सोच के बता सकते हो शॉपकीपर ने ऐसा क्यों किया है? यहाँ शॉपकीपर बताता है, आप जैसे बहुत लोग ये मिस्टेक बताने शॉप में आते हैं एंड कुछ ना कुछ चीज खरीद के जाते हैं। तो शॉपकीपर की चतुराई के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से बनता है। दोस्तों, यहाँ अमायरा एंड बद्री भी कुछ खरीदते हैं। अब अमायरा बद्री दोनों शॉपिंग करके रिसोर्ट वापस आ गए हैं। तभी वो अपने रूम की चाबी डोरमेट से लेने जाते हैं, तो चाबी गायब है, मतलब किसी ने उनके रूम की चाबी चुरा ली है। तभी बद्री पुलिस को कंप्लेंट कर देता है। पुलिस वहाँ आती है और तहकीकात करती है, तो पुलिस को टोटल 3 लोगों पे शक जाता है, रिसोर्ट का मैनेजर, रिसोर्ट में काम करने वाले क्लीनर और रिसोर्ट को पेंट करने आया हुआ पेंटर। तो फ्रेंड्स, इन तीनों को देख के क्या आप लोग बता सकते हो किसने चाबी चुराई होगी? यहाँ रिसोर्ट का मैनेजर, जिसके पास तो रूम की डुप्लीकेट चाबी होगी, तो वो क्यों भला चाबी चुराएगा? और ये पेंटर जो दीवार पेंट करता है, तो वो फ्लोर पे डोरमेट के नीचे देखेगा ही क्यों? अब बची ये क्लीनर, जिसने पोछा मारने के लिए डोरमेट उठाया होगा, तभी उसको ये चाबी दिखी होगी और उसने वो रख ली होगी। तो मुझे तो लगता है चाबी ये क्लीनर ने ही चुराई होगी। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर से बताइए।
बद्री एंड अमायरा को उनके रूम की चाबी मिल जाती है। अब रात भी होने को आई है। उनकी रिसोर्ट के पास वाले पार्टी क्लब में पार्टी चल रही होती है। वो दोनों को भी वो क्लब में जाना है, लेकिन उस पार्टी क्लब में जाने के लिए स्पेशल कोडवर्ड बोलना पड़ता था, और वो कोडवर्ड जिसको क्लब का इनविटेशन आया हो उसे ही पता होता था। लेकिन यहाँ पे बद्री एंड अमायरा को तो इनविटेशन आया नहीं, फिर भी अमायरा एंड बद्री वो क्लब में जाते हैं, लेकिन उनको कोडवर्ड पता नहीं। तो लोग क्लब के बाहर छुप के जो लोग पार्टी के क्लब में आते हैं वो क्या कोड बोलते हैं वो ध्यान से सुनते हैं। पहला आदमी आता है तो वो पार्टी क्लब का गार्ड बोलता है 3, तो वो आदमी बोलता है 12, तो गार्ड उसे अंदर जाने देता है। फिर एक लड़की आती है तो गार्ड बोलता 7, तो वो लड़की बताती है 56, तो गार्ड उसे भी जाने देता है। बाद में एक लड़का आता है तो गार्ड बोलता है 4, तो वो लड़का बताता है 20। इन सब की बातें सुनकर अमायरा तुरंत ही ये कोडवर्ड समझ जाती है। तो वो दोनों क्लब में जाने के लिए गार्ड के पास आते हैं। तो गार्ड बोलता है 6, तो अब अमायरा एंड बद्री क्या बोलेंगी? क्या आप लोग सोच के बता सकते हो? आपका आंसर मुझे फटाफट कमेंट कीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल था। यहाँ जो गार्ड नंबर बोलता है उसके ठीक बाद वाले नंबर से उसका मल्टीप्लिकेशन करना था। जैसे कि गार्ड ने बोला 3, तो उसके बाद वाला नंबर है 4, तो 3×4=12। इसी तरह से 7, उसका मल्टीप्लिकेशन 8 से, तो 56। ऐसे ही गार्ड ने 6 बोला था, तो 6×7=42। तो बद्री एंड अमायरा 42 बोलते हैं, तो गार्ड उनको भी अंदर जाने देता है। इसी तरह से बद्री एंड अमायरा उदयपुर में बहुत ही मजे करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने उदयपुर सिटी देखी है? मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और अभी तक नहीं देखी तो एक बार तो जरूर से देखने जाइएगा, बहुत ही सुंदर प्लेस है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने एक पिक्चर आया है जिसे देख के क्या आप लोग बता सकते हो जेल में से कौन भागने वाला है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। मुझे तो लगता है यहाँ पे ये बद्री भागने वाला है, क्योंकि उसके पास में पड़े हुए बर्गर में स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है। हो सकता है वो स्क्रू ड्राइवर का यूज करके वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा हो। आप लोगों के इस पे क्या विचार है मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा।